ये देख सकते हो डंडिये वगैरह लगी हुई है भाई, सर पहनती है कैचर वगैरह सब कुछ स्टॉल में लगाया हुआ है इन्होंने। तो तो ये छोटे वाला बच्चों वाला फिर सब्सक्राइब लाजमी कर देना मेरे चैनल को, बेल आइकन को बोलना मत, तो मुझे दे इजाजत ओके अल्लाह। अंदर का शरबत गर्मियों का एक खास तोहफा है जो मैं आज व्लॉग कह रहा हूँ कैंट में स्टार्ट, क्योंकि सुबह का कैंट में ही था तो मैंने सोचा चलो व्लॉग भी बना लेते हैं। तो अभी देख सकते हो मैं ड्रामा वाले चौक आया था काम, मालूम है तेरे बाप को मैं सिखा चल था मुझे थोड़ा सा, तो वही मतलब सुबह से निकला हुआ था अपना काम किया, तो देख सकते हो यार होंडा वगैरह सही हो रहे हैं। अंधेरा वगैरह ही होता है रात को, असल में निकलना होता है टाइम भी मतलब ज्यादातर रात को ही लगता है मुझे। मैं निकलता हूँ कैंटी और कैंट जाके मतलब 14 अगस्त की झंडी वगैरह और मतलब काफी मतलब सूट वगैरह लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो आपसे वो भी शेयर करते हैं आज। बहुत तेज हो रहा है, क्योंकि कल गया था तो कल मतलब इतना फास्ट नहीं ब्लॉग बना सका, और फ्रेंड भी था, फ्रेंड से मिलना था और काफी मतलब दूसरी मसलूफियत थी उस वजह से मैं नहीं निकल सका। तो आज मैं मतलब ड्रामा वाले चौक आया था काम के लिए, तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट करते हैं अपना। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, तो बेल आइकन तो लाजमी दबाया करो यार, तो वीडियो वगैरह मतलब अच्छी नहीं बनती तो कमेंट वगैरह करते करो बेशर्म आदमी। और मैं मतलब इंशाल्लाह कोशिश करूंगा थोड़ी सी मतलब ठीक कर दो वीडियो अपनी। तो अभी निकलते हैं कैंट को, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह बहुत ज्यादा है तो उस वजह से कैंट ही जाना पड़ेगा मुझे। तो निकल रहे हैं कैंट की तरफ, रश वगैरह इतना ज्यादा हो जाता है रात को, पता नहीं क्या सीन है। तो अभी देख सकते हो इधर ट्रैफिक भी जाम होना स्टार्ट हो गई है। लेकिन रूटीन मेरी ठीक ही होती है, पता नहीं क्या मसला हो बन जाता है, 2 दिन बाद अपलोड करनी होती है या 1 दिन बाद अपलोड करनी होती है। आप इतने बेगैरत हो। तो अभी ट्राई करूंगा कि मतलब डेली रूटीन से मतलब अपलोड किया करूँ, और मेरी यूट्यूब फैमिली भी क्या सोचती हो कि यार हर रोज बोलता है कि डेली रूटीन ठीक है, लेकिन होती नहीं है। इधर ट्रैफिक रुकी हुई है, वार्डन वाले भी इधर ही हैं, तो अभी इधर रुकना पड़ेगा भाई, रुकना ही बेहतर है क्योंकि चलान ना हो जाए वार्डन वालों से। तो इधर रुकते हैं गाड़ी। ओ माय गॉड, तो देख सकते हो यार एक हाथ में सेल फोन और एक हाथ में बाइक चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, और लोग भी भाई हद करते हैं यार। सारी बात है रश तो है, कैंट जाना है तो रश नहीं होता, ये किधर लिखा हुआ है। देख सकते हो जब कैंट में एंटर ही होना है ना तो झंडियां वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। तो अभी मतलब चलता हूँ झंडियों वाली ब्लॉक से और दिखाता हूँ क्या सीन, बड़े बड़े झंडे भी हैं, छोटे छोटे झंडे भी हैं। तो अभी लेट नाइट निकला था उस वजह से मतलब इतनी खास वीडियो नहीं बनेगी। तो ये देख सकते हो झंडिये वगैरह लगी हुई है भाई, झंडे वगैरह लगाए हुए हैं उन्होंने काफी ज्यादा। तो एक भाई बैठे हुए थे, मैंने सोचा चलो उनके पास रुकते हैं और उनको बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो? ठीक हो? और सुनाओ सब ठीक है? क्या प्राइस है इसके? ये वाले के? जी जी, ये भाई 650 का। तो मैं नहीं आ छुपा, तो ये छोटे वाला बच्चों वाला ये वाला जी, ये भाई 550 का मिलते हैं। 550 का सही होगा भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं होता। तो आपका नाम क्या है? नुमान। नुमान ठीक होगा। तो आज ये शॉप बनाई हुई है भाई, इधर ही रूटीन से खड़े होते हो? आज वैसे 9 है ना, 9 अगस्त है ना, 10 अगस्त है, सुबह 11 हो जाएगी, 3 दिन बाकी रह गए हैं। मतलब आगे भी स्टॉल लगाए हुए हैं उन्होंने, तो देख सकते हो झंडियाँ वगैरह। कल भी आया था तो कल एक्चुअली मतलब इतना खास नहीं दिखा सका क्योंकि टाइम नहीं था, दोस्त से मिलना था मैंने, उस वजह से मैं बना नहीं सका। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है आप? तो देख सकते हो यार झंडिया वगैरह, क्या रेट है वैसे इसका लेडीज बच्चों का? 650
50 रुपीज सही होगा भाई। तो देख सकते हो यार चूड़ियां वगैरह भी हैं, एयरबैन भी है, कैचर वगैरह सब कुछ स्टॉल में लगाया हुआ है इन्होंने। तो माशाल्लाह वैसे भी 3 दिन रह गए हैं, 3 दिन है मतलब 14 अगस्त आने में। तो यार ये बाजी वगैरह का क्या सीन है बता सकते हैं मुझे? सारा देश नर की खाई में झोंका जा रहा है और ये साला पूछता है क्या है? ये जो बच्चे बाजे मतलब लेके पाँ पाँ करते हैं, कायदे आजम ने बोला था बाजे वगैरह बजाने का, जा पूछ क्या उसको जगा रहे हैं। अच्छा उसको जगा रहे हैं, वैसे वो अभी सोए हुए हैं तो जगा रहे हैं। सही हो, मैंने जिधर भी देखा है ना, मरना चाहते हैं तो इन्हीं के साथ, जीना चाहते हैं तो इन्हीं के साथ, इनके खुशी में मेरा खुशी है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे रील देखी है, उधर भी यही मतलब लोग बोलते हैं कि भाई कायदे आजम ने बोला, इलामा अकबाल ने बोला, पता तो चले बाजे बजाने किसने बोला। जगा रहे हैं दोबारा, क्यों मार रहा है वो घबराने ना अच्छे। अच्छा अच्छा सही है, दोबारा कायदे आजम जैसे हुक्मरान चाहिए, ठीक है। बाजे वगैरह आप तो कढ़ाई है, देखो मैं भाई के पास खड़ा था जिनकी शॉप वगैरह स्टॉल वगैरह जिन्होंने लगाया हुआ है, तो वो कह रहे थे कि मतलब कायदे आजम को जगा रहे हैं कि वो सो गए हैं, हमारे हुक्मरान भी सोए हुए हैं उनको भी जगा रहे हैं, कोई ठीक तो ठीक है। थैंक यू सो मच सर, ओके शुक्रिया। तो आपका नाम क्या है? वहाब भाई हैं, उनके पास आइएगा यार। तो माशाल्लाह डिस्काउंट वगैरह भी करेंगे। तो अभी मतलब निकलते हैं आगे क्योंकि जाना आगे भी है, तो इधर ही मतलब व्लॉग को करता हूँ एंड। शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना मेरे चैनल को, बेल आइकन भूलना मत। तो मुझे दें इजाज़त, ओके अल्लाह। Back up.